लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर होता है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपके पास ए बी हो, ठीक है, ए बी लिखा हो या फिर बी ए लिखा हो, दोनों का ऑर्डर सेम होता है, और इसी तरह ए कर दो या बी ए बी इनवर्स कर दो, इन दोनों का ऑर्डर भी सेम होता है। ठीक है, सो स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह है, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी बिलोंग टू जी, जी के दो एलिमेंट्स ले लिए हैं, देन शो दैट फर्स्ट आपके पास क्या है, ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी आर इक्वल। सो सेकंड है, ऑर्डर ऑफ ए एंड बी ए बी इनवर्स आर इक्वल। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट से कैरी करते हैं, लेट कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, एंड ऑर्डर ऑफ बी ए, हम लोग सपोज कर रहे हैं ना, हम लोग कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि दोनों का ऑर्डर मुख्तलिफ है, ठीक है, इज इक्वल टू एन। अब क्या होगा, अगर एम एन को डिवाइड करे और एन एम को भी डिवाइड करे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हमने लास्ट भी देखा था, हम लोगों ने इसी तरह शो किया था, ठीक है, आज भी हम लोग इसी तरह शो करेंगे। अब देखें, बाय वन, बाय इक्वेशन वन इंप्लाइज करता है कि ए बी की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए बी की पावर एम का मतलब है ठीक है, इस तरह इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, आइडेंटिटी, ये कितने टाइम्स है, एम एम टाइम्स, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि प्री मल्टीप्लाई बाय क्या कर देता हूं आपके पास बी, ठीक हो गया, कि आपके पास प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई बाय मैं कर देता हूं, ठीक है, अगर इस तरह मैं कर देता हूं तो फिर क्या होगा, ठीक है जी, आपके पास आ गया। अब मैं यहां पे एसोसिएटिव ला लगाता हूं, एसोसिएटिव ला लगाऊंगा ये, अब ये वाला बी ए ये और ये वाला बी नेक्स्ट ए के साथ मिल जाएगा, और अब यहां पे मैं लिख लेता हूं, यहां पे दो ए बी लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए आइडेंटिटी। अब यहां पे ये वाला बी और ये वाला ए आपके पास क्या बन जाएगा, पेयर बना लेगा, और बाहर क्या बच जाएगा, ए, ठीक है, ये आइडेंटिटी। अब ये एन एम टाइम्स ही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए एंड पी मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो यहां पे देखें, पहले इनवर्स लिख देंगे और एंड पे ए लिख देंगे, यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, ए इनवर्स ए आ जाएगा, ये आपके पास बी ए डॉट बी ए बी ए, और ये देखें ये एंड पे बी था, इसके साथ क्या होना है, ए ने मल्टीप्लाई होना है, ये क्या बन गया, पेयर बन गया, यहां पे ए इनवर्स डॉट ए
ये कितने टाइम्स है, एम टाइम्स। अब देखिए ये भी आइडेंटिटी बन जाएगी, एम टाइम्स है, ये आइडेंटिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें इसका मतलब है कि बी की पावर बी ए की पावर एम से क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, लेकिन बी ए का ऑर्डर क्या था आपके पास, एन था। सिंस ऑर्डर ऑफ बी ए इज इक्वल टू एन था, सो दिस इंप्लाइज दैट कि जो ऑर्डर होगा वो एम को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जी आपके पास क्या आ गया, एक चीज निकल आई। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन टू को कैरी करते हैं बाय टू। टू आपके पास क्या है कि बी ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब बी एन टाइम्स, ठीक है, ये कितने टाइम्स है, एन टाइम्स। इसी तरह मैं फिर यहां पे क्या लगाऊंगा, एसोसिएटिव ला लगाऊंगा, तो आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ये वाले दोनों मिलके ए बी एक पेयर बना लेंगे, फिर ये वाले दोनों मिलके एक पेयर बना लेंगे, और ये वाला आगे वाले के साथ मिलके एक पेयर बना लेगा, और अब देखें ये वाला ए इसके साथ मिलके एक पेयर बना लेगा, और यहां पे एंड पे ए बच जाएगा, ठीक है, एंड पे क्या बन जाएगा, ए ये एंड टाइम्स। अब मैं फिर क्या करूंगा, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, पहले क्या आ जाएगा, बी इनवर्स आ जाएगा, ये बी डॉट बी ए सॉरी ए बी ये ए बी, और ये जो पोस्ट मल्टीप्लाई होना है उसने इस ए के साथ मिलकर पेयर बना लेना है, तो ये क्या आ जाएगा, बी इनवर्स इंटू बी आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये वाली तो क्या बन जाएगा, आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगा, ये याद रखना है, ये कितने टाइम्स है, एन टाइम्स है, ये क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी ए बी ये कितने टाइम्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा, एन टाइम्स। इसका मतलब है कि ए बी की पावर एन इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, लेकिन ए बी का ऑर्डर क्या है, एम है। सीन्स ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम है, सो दिस इंप्लाइज दैट एम डिवाइड्स एन। तो ये इक्वेशन नंबर थ्री थी कि एन डिवाइड करता है एम को, इक्वेशन नंबर फोर आ गई कि एम एन को डिवाइड कर रहा है, सो दिस इंप्लाइज दैट बाय इक्वेशन थ्री एंड फोर, ठीक है, बाय थ्री एंड फोर इंप्लाइज दैट कि एम इज इक्वल टू एन, सो दिस इंप्लाइज दैट कि ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए, कि जो ए बी का ऑर्डर है वो किसके इक्वल है, बी ए के। तो हम लोगों ने पहले पार्ट में यही शो करना था, अब जो सेकंड पार्ट होगा सेकंड पार्ट को भी हम लोग सिमिलर इन्हीं पैटर्न पे इसी पैटर्न पे करेंगे, ठीक है। अब हम लोग सेकंड पार्ट को कैरी करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ए का जो ऑर्डर होगा वो एम होगा और बी ए ए का इनवर्स बी ए बी इनवर्स इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम, सपोज कर लेंगे।
ठीक है, सो लेट कर लेते हैं हम लोग कि जो आपके पास ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, इसको इक्वेशन नंबर वन, एंड ऑर्डर ऑफ बी ए इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू एन, इसको इक्वेशन नंबर टू। मैं पहले सेकंड इक्वेशन को कैरी करता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम लोगों ने फर्स्ट वाले को कैरी वैसे क्यों की, जिस ठीक है कैसे करना है। तो बी ए बी इनवर्स डॉट बी ए बी इनवर्स डॉट बी ए बी इनवर्स डॉट बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ गया एन, सॉरी इज इक्वल टू क्या आएगा आइडेंटिटी। ठीक है, सो आप यहां पे ये वाली भी चीज देख सकते हो कि बी इसकी पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ये एन है इसका मतलब है एन टाइम ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब फिर मैं यहां पे एसोसिएटिव ला लगाऊंगा बी ए, इस इन दोनों को इकट्ठा कर लेता हूं बी इनवर्स डी, यहां पे फिर ए आ जाएगा ये बी इनवर्स डी, यहां पे ही आगे वाले के साथ हो जाएगा ठीक है, यहां पे ए आ जाएगा एंड सो ऑन। अब ये देखें ये जो बी होगा ये पीछे वाले बी इनवर्स के साथ क्या करेगा पेयर बनाएगा, यहां पे ए ये बी इनवर्स बच जाएगा इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये एम टाइम्स है ठीक है। अब ये देखो ये भी आइडेंटिटी एंड सो ऑन, स्टार्ट पे क्या बचा बी ए डॉट आइडेंटिटी डॉट ए डॉट आइडेंटिटी एंड सो ऑन, आपके पास क्या आ गया आइडेंटिटी डॉट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। उसी तरह फिर वही लाइन ठीक है, प्री मल्टीप्लाई बाय बी एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स ये पेयर बन जाएगा एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी ठीक है। ये देखिए ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, ये कितने टाइम्स है एन टाइम्स, तो इसका मतलब है कि ए की पावर एन लें तो आइडेंटिटी आता है, लेकिन ए का सिंस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है एम है, सो दिस इंप्लाइज दैट कि जो ऑर्डर होगा वो एन को क्या करेगा डिवाइड करेगा ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बाय वन इक्वेशन वन कैरी करते हैं, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे जिसके दरम्यान में आइडेंटिटी लगा देता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ही आएगा, ई डॉट ए इज इक्वल टू ई, ई डॉट ए इज इक्वल टू ए, ई डॉट ए इज इक्वल टू ए, ई डॉट इज इक्वल टू ए ही आ रहा है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं। अब ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग बी बी इनवर्स, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आता है, तो ए यहाँ पे फिर बी बी का इनवर्स, ए बी बी का इनवर्स एंड सो ऑन, बी बी का इनवर्स, ए बी बी का इनवर्स ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखें मैं फिर वही करूंगा जो हम लोग कर रहे हैं, क्या करेंगे एसोसिएटिव लॉ, ये ए बी खत्म, ये वाले पहले एक दो और ये तीन, तीनों एलिमेंट्स को मिलाओ तो क्या आ जाएगा बी इनवर्स, सॉरी हमारे पास ये वाली चीज है तो अच्छा चले इसको इस तरह लिखने की बजाय इसको इस तरह कर दिया बी इनवर्स बी लिख लें ठीक है। यहाँ पे ए बी इनवर्स और इन तीन एलिमेंट्स को मैंने इकट्ठा किया है तो आपके पास क्या आ जाएगा बी ए बी इनवर्स बन जाएगा
ठीक है डॉट। अब फिर ये देखो ये वाले तीन एलिमेंट्स को मैंने इकट्ठा किया है तो आपके पास वी ए बी इनवर्स बन जाएगा, ठीक है एंड सो ऑन। अब देखें ये वाले तीन एलिमेंट्स को मैंने इकट्ठा किया है तो बी ए बी इनवर्स बन जाएगा और एंड पे बी बच जाएगा और ये क्या आ जाएगी आइडेंटिटी। अब इसी तरह मैं क्या करूंगा प्री मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये इन दोनों के साथ मिलके क्या बना लेगा एक पेयर बना लेगा। ठीक है और पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, देखिए प्री मल्टीप्लाई बाय बी पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स ये आपने याद रखना है कितने टाइम से यहां पे एम टाइम्स हम लोगों ने लिया था। ठीक है तो ये क्या आ जाएगा बी ए बी इनवर्स डॉट 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 इज इक्वल टू आइडेंटिटी कितने टाइम्स है एम टाइम्स। इसका मतलब है आपके पास जो आ गया बी ए बी इनवर्स की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, लेकिन उसका ऑर्डर क्या था आपके पास एन था। ठीक है सिंस ऑर्डर ऑफ बी बी इनवर्स इज इक्वल टू एन सो दिस इंप्लाइज दैट एन डिवाइड्स एम, ये क्या आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4। एन एम को भी डिवाइड करता है बाय 3 एंड 4 इंप्लाइज दैट एन इज इक्वल टू एम सो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या आ गया बी बी इनवर्स का जो ऑर्डर होता है वो किसके इक्वल होता है ए के ऑर्डर के। ठीक है तो ये दोनों चीजें हमारे पास प्रूफ हो गई हैं। अगर आप लोगों को इससे क्वेश्चन कोई भी किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम आए कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।